Shivi, Om Shivi, Om Shivi, Om Shivi. बस ओम शिव, ओम शिव तेरे जा। दुनिया में जितने भगवान हैं सबके मंत्र लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन एक शंकर भगवान केवल ओम शिव या ओम नमः शिवाय से खुश हो जाता है। देखें कई जगह, कलकत्ता में देखा काली माता में कोई बकरा काट कर चढ़ा हुआ है, बोला जब राजी होगी काली माता कलकत्ते वाली। कई भंडारे करे दे, लेकिन शंकर भगवान बताते हैं ये पेड़ लगा है पत्थर वेल का, केवल इसके पत्ते से ही राजी हो जाता है। एक बार दिल से कह दो शंकर भगवान की ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। बस ओम शिव, ओम शिव तेरे जा। अरे क्यों कर गुरु जी, मन का मणिया सांस की डोरी लगा के तेरे जा, मन का मणिया सांस की डोरी लगा के तेरे जा। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव तेरे जा, मन का मणिया सांस की डोरी लगा के तेरे जा, मन का मणिया सांस की डोरी लगा के तेरे जा। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव तेरे जा, मन का मणिया सांस की डोरी लगा के तेरे जा, मन का मणिया सांस की डोरी लगा के तेरे। शब्दों पे ध्यान देना के ओम शिव तेरे जा। और क्यों कर मन का मणिया सांस की डोरी ध्यान लगा के फेरे जा। ये संत लोग बताते हैं कि जब कोई नाम इंसान की सांसों पर रम जाता है उससे एकाग्रता आती है मन में, और जहां एकाग्रता आ जाती है वहीं परमात्मा का वास होता है। सुनिए ओम शिव के रटने से क्या होगा, क्या बता दिया। मिलता है तुरता फुरती सुरती चित पे जम जा से, फल मिलता है तुरता फुरती सुरती चित पे जम जा से, मन एक ठिकाने जम जा से, मन एक ठिकाने जम जा से, इन बारम बार घेरे जा, मन का मणिया सांस की डोरी ना लगा के फेरे जा, मन का मणिया सांस की डोरी ना लगा के फेरे जा। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव तेरे जा, मन का मणिया सांस की डोरी ना लगा के फेरे जा, मन का मणिया सांस की डोरी ना लगा के फेरे जा। संसार में बाजड़ पड़ रही है, एक दौड़ है, हर जगह प्रतियोगिता कंपटीशन है, गाने वालों को लो इनमें भी कंपटीशन, और तो और हर चीज में लुगाइया में भी कंपटीशन। वे इसकी साड़ी तक नहीं जोर की है, तेरी साड़ी खराब आगे दिखे, मर्दा में कंपटीशन, पहलवाना में कंपटीशन। लेकिन कवि कहता है एक बार इस दौड़ को भगवान के नाम पे लगा के देखना, जिंदगी सवर जाएगी। दूसरी बात में क्या बताया, कैसे बने महल झरोखा
जन्म करता ना डरता धरता सर पे भार। कोई कर्म करता ना डरता धरता सिर पे भार। एक एतबार पता ना इस दम का के एतबार पता ना इस दम का कर्म बार बखेरे जा मन का मनिया सांस की दूरी लगा के फेरे जा। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेरा पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेरा पीछे छूटा राही चल अकेला। माया के चक्कर में इस पैसे के चक्कर में हर इंसान पागल हो रहा है। जिस कने 1 लाख है उन्हें सोचेगा कि 10 लाख होने चाहिए, 10 लाख आड़ा सोचेगा 1 करोड़ होने चाहिए। कवि कहता है इस धरती पे 70 रुपये घने कौन ले रहा है। आपको पता होगा अगर मुकेश अंबानी अनिल अंबानी की रकम को दोनों को जोड़ा जा तो शायद इस धरती पे सबसे ज्यादा रुपये वे ले रहे हैं। लेकिन धाप उनके भी कौन है, वे भी तड़का उठेंगे, तिलक काटेंगे, लक्ष्मी माता का नाम लेंगे और सांस तक वे भी चक्र दंड रखे है। धाप उनके भी कौन है। एक उदाहरण दिया कवि ने, सजने एक राजा हुआ जिसका नाम था सिकंदर, मुसलमान राजा था। उसके दिमाग में कीड़ा हुआ कि धरती पर जितना रुपया है वो तेरे कने होना चाहिए। राजा था, ऑर्डर दे दिया, धरती पर जितना रुपया मुद्रा करेंसी थी सब अपने कने मंगा ली धरती में गाड़ के और उसके ऊपर बिस्तर बना के सोया करता था। एक रोज एक बुढ़िया बाजार में आ गई, सिकंदर ने ऑर्डर दिया अगर किसी के पास 1 फुटी कोडी 1 पैसा भी मिला तो फांसी तोड़ दी जाएगी। सारी प्रजा ने सारा धन इकट्ठा करके सिकंदर तो दे दिया और सिकंदर ने धरती में गाड़ के उस पर सोया करता। एक रोज एक बुढ़िया बाजार में आ गई और एक रुपया ले रही। बनिया के गई, हरनिमली भाई बनिया के ले 1 रुपया और घर का राशन दे। बनिया ने देखा कि बुढ़िया कहाँ से लेकर आई, जब राजा ने ऑर्डर दे रखा है। तो एकदम बढ़िया ने सिपाही बुलाए और बुढ़िया को गिरफ्तार करवा दिया। सिकंदर क्या कह पेश करी बुढ़िया, और सिकंदर कहता कि बुढ़िया बता जब धरती का सारा रुपया मेरे कने है तो तू यू 1 रुपया कड़े तले का आई है। बुढ़िया बोली राजा सिकंदर धरती पर रुपया तने छोटा को ना और घर में राशन खत्म हो रहा था, मन तेनू सुन रखी है कि तुम मुसलमानों में जब कोई मरे है तो धरती में जब लाश गाड़ो हो धरती में 1 रुपया धर के और लाश को दफन करते हो। भाई रे घर में बालक भूखे थे, मन तो 1 कबर पाड़ी और 1 रुपया लिकाट के लिए आई। सिकंदर के दिमाग में बात आई, ओहो इसका मतलब रुपया तो घना धरती में भी दबा पड़ा है। उससे टेम ऑर्डर दिए कि सिपाहियों जाओ धरती पर जितनी भी कबर है सारी न पाड़ दो। सारी कबर पड़वा दी, सारे धन को अपने पास मंगा लिया और लोग उस धन के ऊपर सिकंदर गर्व करके घमंड करके सोया करता। समय बीत्या, बुढ़ा हो गया, आखिर टेम आया, मरण का टेम आया, असली ब्रह्म ज्ञान खोपड़ी में जा गया। रे सिकंदर तो न करा के है, यो धन जो धरती में गड़ रहा है तू तो जागा मर, इन्हें कोई और नहीं बरतेगा। उससे टीम सिपाहियों को बुला के एक ऑर्डर दिया कि भाई मेरा समय आ गया, देखे मैं मर जा तो कोई मेरे पा दबेगा कोई छाती दबेगा, पर एक काम करिए
मेरे मरे पाछे अर्थी में मेरे दोनों हाथों को मत बांधना, दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को संदेश मिले कि याद रख सिकंदर के हौसले आली थे, जब गया दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। सुनिए क्या लिखा था। कुछ भी ना दिखे का तबीयत रे बिल्कुल अंधी हो जाती। कुछ भी ना दिखेगा तबीयत बिल्कुल अंधी हो जाती। तेरी अग्नि मंदी हो जाती, तेरी अग्नि मंदी हो जाती। इन बारंबार सके रे जा मन का मनिया सांस की डोरी ध्यान लगा के तेरे जा। साथी हाथ बढ़ाना मेरे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला रुक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। मेरे साथी हाथ बढ़ाना मेरे साथी हाथ बढ़ाना। एक सरपंच आदरणीय बलबीर जी आनावास गांव से, ये 2100 रुपए बाबा में और 100 रुपए भजन पार्टी को और 2100 रुपए मंदिर में, पर जोरदार ताली इनके लिए, जोरदार ताली। मंदिर कमेटी आनावास, हनुमान मंदिर कमेटी आनावास, ये भी 2100 रुपए हमारे बाबा के मंदिर में और 100 रुपए भजन पार्टी को, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करे। बोलो बाबा महावीर दास महाराज की। शिव शंकर को जिस शंकर को जिसने पूजा उसका ही होता हुआ, अंधकार से हम शंकर से उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर की पूजा करो ध्यान चरणों में उठे के फौजी 100 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं। फौजी साहब का दिल से धन्यवाद। और आखिर में बहुत बढ़िया बात कही लोगों, देखे जमाना कितना बदला। एक रागनी है मेरी, उसके बोल बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, कह रहे पहले आली हमारे ही ना पहले जैसा पानी, आज होगी खत्म कहानी, ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। आज सबकी में खत्म ही तो होता जा रहा है। याद करो हमारी बूटी ताई दादी बैठी है, इनका जमाना कितना बढ़िया था। अन्ने टीवी पर रामायण देखने नहीं मिला करती, सांझ को आया करती 8 बजे, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, अरे वाह क्या कहने, सारे मोबाइल ले रहे घर में। देखना अगर 1 साल का भी टाबर है और रोन लागे, पहले जमाने में अगर बालक रोवे था तो माँ ठा के दूध पिया दिया करती, लेकिन आज माँ दूध को ना पियावे, आज तो मोबाइल देते हैं छोरा के हाथ में। हर मोबाइल लेते जुलम तयोस है कि मोबाइल लेते चुप भी हो जा बालक, और चुप होके मोबाइल का 1 साल का टब्बर लोक भी खोल ले है और यूट्यूब निकाल गए, वो भी डांस देखे है, भजन को ना देखे, जुलम नहीं है। क्यों कर सिक्का चलाना, ये न्यू सिक्का, जब माँ गर्भवती थी तो माँ छोरे के बारे में ना सोचे थी, वो भी टिकटॉक पर वीडियो बनावे थी, मोबाइल में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लागी रहती,
तो वो अभिमन्यु भीतर ही सीख गया योगी का। ये भी संस्कारों की जरूरत है, भरने पड़ेंगे इन बच्चों में। आइए आखिर में क्या लिख रहा है। पहले बाबा जी जो थे वो भजन कराया करते, अब बाबा जी भी एंड्रॉइड मोबाइल लेकर रखे हैं, जुलम नहीं है। केशो राम जले अग्नि में, केशो राम जले अग्नि में, अल्ले सुके हो गीले, केशो राम जले अग्नि में, अल्ले सुके हो गीले। कुंदन लाल हाल दर्शाते अज्ञान के बंधन हो ढीले, समझ में आए तो दोनों हाथ खड़े करेगी सारी माता बहन और मेरे साथ ताली बजा के बोलिए, ओम शिवी ओम शिवी ओम शिवी ओम शिवी ओम शिवी ओम शिवी तेरे का मन का बढ़िया सांस की डोरी क्या लगा के तेरे का, मन का बढ़िया सांस की डोरी क्या लगा के तेरे का, मन का बढ़िया सांस की डोरी क्या लगा के तेरे का, अरे मन का बढ़िया श्वास की डोरी क्या लगा के तेरे जा।